जी जमशेद दस्ती साहब, 2 मिनट है मेरे पास, क्या कहेंगे? जी के ये असेंबली में आना चाहिए और ये इस्लाम और कुरान के मुताबिक है। ऐसे ऐसे भेड़िए को जो है ना शरियाम फांसी मिलनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से ये जो असेंबली है इसका किरदार पाकिस्तान के खिलाफ है। ये असेंबलियां पाकिस्तान की दुश्मन असेंबलियां हैं, ये कुरान और सुन्नत की दुश्मन असेंबलियां हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म रसूल के बारे में ये तरमीमें करती है, ये कुछ साफ है रसूल, ये मुजरिम और भेड़िए बैठी है। और पीपल्स पार्टी ये इन धंधों में मुलाकात से पहले तो बड़ी खवातीन की बातें करती है, पीपल्स पार्टी में राव अनवार जैसे भेड़िए कातिल बैठी है। अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर इन जमातों में जो इनकी सरपरस्ती करती है, जो इनके मिनिस्टर इनके MNAs इनके जो गैंग्स बैठे हैं वो पकड़े जाएंगे, जो गिरफ्तारी करते रहे उनको फांसियां लगेगी और ये खुद और अदालत में आएंगे जिनकी इन चोरों की डाकों की इन कातरों की सरपरस्ती करके लिहाज है। ये दब किरदार, ये घटिया, ये भेड़िया पत्थर, ये असम्बलियां जो जमहूरियत और कौम के नाम पे धंधा है, इन असम्बलियों के एक करोड़ बाद लानत भेजी का कम है। ये पाकिस्तान की दुश्मन है, आवाम की दुश्मन है। यहाँ पे बैठे भेड़िए परिंदे सूर ये ऐसे कानून ही बनाएंगे, ये अमरीका के कुत्ते बैठे हैं, ये मोदी के कुत्ते बैठी है, ये इसराइल के दाऊद बैठी है, ये टीटी शीटी ये नवाज एंड कंपनियां ये क्रिमिनल और चैन पेशा लोगों की सरपरस्ती करने वाले मुल्क के दुश्मन है। ये कैसे कानून साबित करेंगे वहां पे, कैसे नहीं औरतों पे तशद्दुद होता है और गैरत के नाम पे ये बिल ले क्या था, ये जो बाबर शाबर एंड कंपनी जो जरदारी के पालतू है, तो अभी इनको शर्म आनी चाहिए और पूरी कौम इनके मकलूर चाहिए। कातिल है, कुरान हुक्म देते अल्लाह का फरमान है, और इतना जबर करने वाले की फांसी दे उसकी लाश 4 दिन खड़ी रहे तो कौम इबरत पकड़े, इसको जाओ अब तक कानून दे और ये क्या करें। मैं कहता हूं लानत है इन असेंबलियों पे, इन पे बैठी और पाकिस्तान के जो चैली फरादी मकारी लीडर है, फिर भी कहूंगा कि कौम गैरत करे और मुसलमान निकलो, पाकिस्तान में निकलो, इन असेंबलियों को जलाओ घिराव करें, इनके मुंह काले करो, इनको साथ रसूल जो बैठी है इनके सीपर इनके मुंह काले करके इनकी लाशों को लटका है, जिन कातलों को पकड़ा जाए, मगर दुख है हम चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, कौम सोई हुई है, कौम डूबी हुई है, इसलिए सब चोर क्रिमिनल चोर पेशा लीडर बन के वो हमारी माओ बेटों के कत्ल के जश्न भी बना रहे हैं, सामने बजाय लाना टेन कैसे किरदार। ठीक है।